हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर बैठे संगीत सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जिसका नाम है रियाज ऐप। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें इंडियन क्लासिकल, कर्नाटक स्टाइल, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। इसमें आप अपने लेवल के हिसाब से अपने सिंगिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने स्कोर को भी चेक कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिए और महान गुरुओं से संगीत सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और आज हम सीखेंगे चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। 15 अगस्त नज़दीक है, हमारे काफ़ी व्यूवर्स की फरमाइश थी इस सॉन्ग के लिए, तो आज इस सॉन्ग का हम लेसन करेंगे। और इस सॉन्ग को मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको विद म्यूजिक, विद फिलर पार्ट, विद नोटेशन इस सॉन्ग को सिखाऊं। तो आइए शुरू करेंगे लेसन। और लेसन शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि हम अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के लेसन, गजल के लेसन, कव्वाली के लेसन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराएं। और आइएगा शुरू करते हैं और देखिएगा, जो आज हमने इस सॉन्ग का स्केल रखा है वो पहला काला रखा है, बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो सी शार्प मेजर स्केल है हमारा। जो इसका ओरिजिनल स्केल है, जो रफी साहब ने गाया है, वो ई मेजर है। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल स्केल है, हम कर रहे हैं सी शार्प मेजर से ताकि बिगनर्स को आसानी रहे। अब देखिएगा, समझ लीजिएगा कौन कौन से स्वर इसमें यूज होंगे। अब देखिएगा, सा, रे, गा, और दोनों माँ का इसमें यूज होगा। हालांकि जो शुद्ध माँ है वो बहुत कम यूज हुआ है, तीव्र माँ ज्यादा यूज हुआ है। तो ये दोनों माँ का यूज होगा, पा, धा और नी और सा। ठीक है, सा, नी, धा, पा, मा, मा, गा, रे, सा। मंत्र सप्तक की अगर आप बात करें तो आपका नी, धा और पा ये स्वर भी यूज होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, जहां से सॉन्ग शुरू होता है, स्टार्टिंग में पहले इंट्रो म्यूजिक है। अब जो म्यूजिक है वो पहले स्ट्रिंग का पार्ट है। अब जो स्ट्रिंग का पार्ट है वो देखिएगा, ये पार्ट है स्ट्रिंग का। एक बार और सुनो, मैं देखिएगा फिर नोटेशन बताता हूं। के पा से शुरू हुआ है, पा सा गा पा धा पा गा पा। ठीक है, ये स्ट्रिंग का पार्ट है। अब इसके बाद फिर है शहनाई का एक छोटा सा पार्ट। अब शहनाई का पार्ट है वो देखिएगा, ये पार्ट है। गे गा सा रे धा सा पा सा, ये शहनाई का पार्ट है। गे गा सा रे धा सा पा सा। ठीक है, ये है। अब इसके बाद आपका स्थाई शुरू होता है। अब जो स्थाई है वो देखिएगा, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा। ये स्थाई की लाइन है। अब देखिएगा, आधी आधी लाइन करके टुकड़ों में समझेंगे। चल उड़ जा, इतना देखिए पहले, चल उड़ जा पापा धा सा सा, पापा धा सा सा, चल उड़ जा रे पंछी, रे पंछी, रे गा गा धा पा, रे पंछी।
हुआ बेगाना, सा रे 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 गा रे सा रे सा सा, बेस हुआ बेगाना, सा रे 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 गा रे सा रे सा सा। ठीक है, तो ये लाइन बनेगी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ। ठीक है, अब ये जब स्थाई हो जाती है तो इसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ छोड़ी जाती है म्यूजिक के लिए। अब वो कैसे आएगी, चल उड़ जा रे पंछी, ऐसा आएगा, पा धा पा गा पा, चल उड़ जा रे पंछी। फिर म्यूजिक शुरू होगा। अब जो म्यूजिक पार्ट है वो पहले शहनाई है, उसके बाद स्ट्रिंग है। अब जो शहनाई का पार्ट है वो देखिएगा, पहले ये पार्ट है शहनाई का, स्लो में देखिएगा, यहां पर दोनों मा का यूज है, पा मा गा गा गा। अब यहां पर देखिएगा दोनों गा यूज हुए हैं, कोमल का भी यूज हुआ है, पा मा गा 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 मा गा सा रे। इस तरह से ये शहनाई का पार्ट होगा। अब जब शहनाई का पार्ट होगा इसके बाद फिर स्ट्रिंग आएगी, और जो स्ट्रिंग का पार्ट है वो देखिएगा, ये स्ट्रिंग का पार्ट आएगा, फिर मंत्र सप्तक से शुरू होगा, पास है, ये हुआ। इसके बाद अब अंतरा शुरू होगा। अब जो अंतरा है वो देखिएगा, अंतरे की लाइन, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। ये अंतरे की लाइन है, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। ठीक है, इसका नोटेशन देखिएगा, गा गा रे 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 गा रे सा सा, खत्म हुए जिस पर तेरा बसेरा था, रे मा गा रे सा नी पा धा धा सा सा सा, रे मा गा रे सा नी पा धा धा सा सा सा, जिस पर तेरा बसेरा। अब इसके बाद फ्रेंड्स फिलर है, एक छोटा सा फिलर है, फिलर देखिएगा, ये है,
उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन आती है, आज यहाँ और कल हो वहाँ, ये जो भी वाला फेरा था। अब ये जो लाइन है ये कहाँ से शुरू होगी, आज यहाँ और आज यहाँ और ग प प म प म प म ग ग प प म प म प म ग आज यहाँ और आज यहाँ और कल हो वहाँ ये कल हो वहाँ ये गा गा पगारे कल हो आपने पहले बजाई है नोटेशन, पहली लाइन में जो बजाई है जिस पर तेरा बसेरा था वही नोटेशन आप यहां पर यूज करेंगे, जोगी वाला फेरा था रे मा गा रे सा नी पा धा धा सा सा सा। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी और फिर नेक्स्ट लाइन है, ये तेरी जागीर नहीं थी चार घड़ी का फेरा था। फिर ये लाइन है, अब इसका नोटेशन देखिए, ये तेरी जागीर नहीं थी पा धा 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 गा गा पा धा सा नी धा धा, ये तेरी जागीर नहीं थी जो भी वाला फेरा था जो भी वाला फेरा था पदा पामा कर सारे रे पगा पाधा पामा करे सारे रे पगागा जोगी वाला फेरा था। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन है, सदा रहा है इस दुनिया में किसका वो दाना। अभी ये नेक्स्ट लाइन है, सदा रहा है इस दुनिया में लिखिए, सदा रहा है इस दुनिया में सा नी दा पा दा पा पा, सदा रहा है इस दुनिया में सा नी सा किसका वो दाना किसका वो दाना मादा पा मगरे गा परे सा मादा पा मगरे गा परे सा किसका वो दाना चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसके बाकी अंतरे विद म्यूजिक जो मैंने आपको म्यूजिक बताया है उसके साथ आप इस सॉन्ग को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की कोशिश आपको पसंद आई होगी और कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।